रामा के विजयी होने के पश्चात तथाचार्य मंदाकिनी को प्रभावित करने हेतु रामा से विशाल पंख मांगते हैं। स्वामी की उत्सुकता देख रामा उसे रस्सी की सहायता से हवा में उड़ने का और खजूर की सहायता से चील को नीची उड़ान भरने पर विवश करने का रहस्य बताता है। अपनी पराजय के आक्रोश में रानी राघवन का अपमान करती है और उसके प्राण तक ले लेने की धमकी देती है। ये देख प्रलयंकर उन्हें रोकने का प्रयास करता है, परंतु क्रोधवश वे प्रलयंकर को भी चेतावनी दे देती है। अब आगे मैं तुम्हें ही याद कर रही थी और देखो तुम मेरे सामने आ गए। हम तो भूल ही गए कि अब तक आपने अपने प्रेम का प्रस्ताव हमारे सामने रखा ही नहीं। कैसे रखूं? जब भी तुम्हारे समक्ष प्रेम प्रस्ताव रखना चाहता हूं, तुम्हारे पिता से टपक पड़ते हैं। ये गधे धनी मनी अभी तक मंदाकिनी को लेकर क्यों नहीं आए? अरे वो देखिए प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। उड़ान भरने के लिए तैयार है गुरुजी। मंदु तुम आ गई, आ जाओ अभिषेक रूप पर आ जाओ। हम तुम्हें विजयनगर का भ्रमण करवाते हैं, उड़ाते हैं, बादलों के साथ घुल मिल जाते हैं। नहीं 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 ढाकनी देवी जी, अभी आप ऊपर मत जाइए। पहले गुरुजी को उड़ने दीजिए, उसके बाद आप ऊपर जाइए। गधे धनी मनी, मंदाकिनी के कान में क्या खुसे फुसर कर रहे हैं? वो क्या है ना मंदाकिनी देवी, कि हमारे गुरुजी अपने जीवन में आज पहली बार उड़ रहे हैं। हाँ, क्या पता जोश जोश में आपको गिरा दे नीचे उड़ने के चक्कर में। रुकिए टट्टू, पहले आप उड़िए, तत्पश्चात हम आपके साथ उड़ेंगे। हम उड़े? अच्छा ठीक है, पहले हम उड़ते हैं मंदू, तत्पश्चात हम तुम्हें विजयनगर की सैर करवाएंगे। आप उड़ सकते हैं मंदाकिनी देवी जी के लिए, उड़ के दिखाइए ना, उड़ जाइए जल्दी से। हम उड़ने जा रहे हैं। हम उड़ क्यों नहीं रहे? अरे गए। धनी। हाँ जी। बुड्ढा गया या नहीं गया? चला ही गया होगा। अबे नहीं गया है। बच गए। हट, क्या कर रहे हैं हमारी पुत्री के कक्ष में? मंदाकिनी देवी जी, गिरने दीजिए उनको। कितना सतर्क किया था उनको कि नहीं उड़िए नहीं उड़िए, किंतु उड़े और गिर गए। किंतु आप चिंतित मत होइए, हमें ना हमारे साथ चलिए। गुरुजी पंखों के साथ तो आपको विजयनगर की सैर करा नहीं पाए, किंतु हम आपको ऐसे ही सैर कराते, चलिए। हटो, दूर हटो। देखा, फिर से टपक गए ना। किंतु दादा तुम यहाँ कहाँ से टपके? पहले हमें बताओ तुम हमारी पुत्री के कक्ष में क्या कर रहे थे? अरे मैं वो हाँ, मैं तो वैद्य जी से इसके लिए औषधि लेकर आया था। देखो ना कब से इसे हिचकी आ रही है। अरे कब की? मैं दीदी से औषधि लेकर आया था। अरे तुम्हें पहले ज्ञात हो गया था कि हमारी पुत्री की हिचकी प्रारंभ होने वाली है? अरे दुष्ट, छोड़ेंगे नहीं।
दुष्ट छोड़ेंगे नहीं। अरे तुम क्या नहीं छोड़ोगे, मैं छोड़ दूं? नहीं, मेरी चिंता बाद में करना, पहले अपनी चिंता करो। यदि नीचे गिर गए ना तो सीधा ऊपर जाओगे ईश्वर के पास। अरे हमें बचाओ, अन्यथा हम तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी शिकायत करेंगे। तब तो कदापि नहीं बचाऊंगा। पहले वचन दो कि तुम बापू से मेरे विषय में कुछ नहीं कहोगे और मुझ पर क्रोध तो कदापि नहीं करोगे। अरे मेरा हाथ छूट रहे, हाथ छूट रहे, हाथ छूट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ नहीं करेंगे। आओ ऊपर आओ, ऊपर आओ। जय बजरंगबली। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। करेंगे, अवश्य शिकायत करेंगे। शिकायत भी करेंगे और पिटाई भी करेंगे। छोड़ेंगे नहीं, तुझे मारेंगे और तेरे पिता को भी देख लेंगे। बापू के विषय में कुछ मत कह। कहेंगे तेरा पिता दुष्ट, उसने हमें नकली पंख दिए। उधर हम उड़े, इधर हम गिरे, अरे हमारी हड्डियां टूट जाती। तुम्हारी शिकायत करेंगे। ए, ए, तुमने वचन दिया ताता, तुमने वचन दिया। देखो छल कर रहे हो तुम मेरे साथ। आम्रपाली छल, छल हो रहा है मेरे साथ, छल हो रहा है, छल। हट जाओ आम्रपाली, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। हे माँ, सहायता करना, क्या पता कौन सी चुनौती देने वाला है ये मुझे। आपने तो दावा किया था ना कि आप इस संसार को इसलिए त्यागना चाहते हैं क्योंकि संपूर्ण संसार में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बचा है जो आपकी बुद्धिमत्ता को चुनौती दे सके। इस संसार में जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति थे उन सबको हम अपनी बुद्धिमत्ता से पराजित कर चुके हैं। अब हमारे पास सीखने के लिए कुछ भी नहीं बाकी है, कोई उद्देश्य नहीं बचा। अतः जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं है, संसार त्याग देना चाहते हैं। किंतु देखिए हमारे राज्य के पंडित रामाकृष्णा जी, इन्होंने आपकी बुद्धिमत्ता को धूल चटा दी और ये सिद्ध कर दिया कि आप एक साधारण बालक हैं। महारानी क्या कर रही हैं? कितना समझाया है कि गुरुदेव को उकसाना नहीं है। हम तो इसी विचार में हैं कि आपकी बहन ने गुरुदेव को क्रोध दिलाकर बहुत बड़े संकट को आमंत्रित किया है। पता नहीं अब उनका क्या होगा। विचार क्या कर रहे हैं आप, बताइए आपकी तीसरी चुनौती क्या है ताकि हमारे विद्वान पंडित रामाकृष्णा जी उसका उत्तर दे सके, आप पराजित हो सके और आप अपने संसार त्यागने का विचार त्याग कर दें और इस विजयनगर से प्रस्थान करें। ए बंधु, महारानी क्यों मधुमक्खी के छत्ते में आ डाल रही हैं आप? वही तो, इसे क्रोध मत दिलाइए अन्यथा पता नहीं मुझसे क्या पूछ ले। विजयनगर की इस नायबीय राज्यसभा को हमारा प्रणाम। हमारा भी तुम्हें प्रणाम बालक। महारानी का हम पर क्रोधित होना स्वाभाविक है, हम अपने आप को विद्वान मानते हैं, परंतु हमारी दी गई दो चुनौतियों को पंडित रामाकृष्ण ने बहुत ही सरलता से पार किया है। परंतु हम वचन देते हैं महारानी कि हमारी तीसरी चुनौती पंडित रामाकृष्ण के लिए अत्यंत कठिन होगी। ओह अच्छा, क्या होगी इस बालक की तीसरी चुनौती? तो हम अपनी तीसरी चुनौती कहें उससे पूर्व महारानी को एक वचन देना होगा और हमें पूरा विश्वास है कि महारानी वचन देंगी भी। कितनी बार वचन लेगा ये बालक? कैसा वचन? महारानी आप हमें वचन दीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए
आप हमारी तीसरी चुनौती पूर्ण करवा के ही रहेंगे, क्योंकि हमारी तीसरी चुनौती सुनने के बाद पंडित रामकृष्ण बाग खड़े होंगे। ऐसा कदापि नहीं होगा। तो दीजिए वचन। दिया, हम विजयनगर की महारानी सुलक्षणा देवी ये वचन देते हैं कि ब्राह्मण बालक राघवन द्वारा दी गई चुनौती को पंडित रामकृष्णा जी से पूर्ण करवाने का दायित्व हमारा है। हम आश्वासन देते हैं कि इस चुनौती से पंडित रामकृष्णा जी पीछे नहीं हटेंगे। आप दीजिए अपनी चुनौती, आइए। जी, जी महारानी जी। चुनौती ये है कि आपको आपके विजयनगर राज्य की महारानी सुलक्षणा देवी को दो हिस्सों में बांटना है। अच्छा। ये क्या कह रहे हैं आप? महारानी, आपने वचन दिया था कि आप हमारी इस चुनौती को पूर्ण करवा के ही रहेंगे। तो पंडित रामकृष्ण, आप इस चुनौती को पूर्ण करके दिखाइए। अद्भुत गुरुदेव, अद्भुत। अब आएगा आनंद। महारानी के दो हिस्से होने का अर्थ है महारानी हमारे रास्ते से सदैव के लिए हट जाएंगी और प्रजा कभी पंडित रामकृष्णा को क्षमा नहीं करेगी और उन्हें भी मृत्युदंड मिलेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करने से तो महारानी जी की हत्या हो जाएगी और मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, ना बाबा ना। किंतु हमने आपको इनकी हत्या करने के लिए नहीं कहा पंडित रामकृष्ण। हाँ तो इन्हें दो हिस्सों में काटने के लिए कहा है। यदि आप चाहें तो इन्हें काट कर जोड़ भी सकते हैं। हैं? कटने के बाद गोंद से जुड़ सकते हैं क्या? नहीं। अरे आप हंस क्या रहे हैं? ये असंभव है। हत्या या जीवन, संभव या असंभव, ये आपकी चिंता है पंडित रामकृष्ण, हमारी नहीं। और महारानी, आपने हमें वचन दिया था कि आप इस चुनौती को पूर्ण करवा के ही रहेंगे और इन्हें रोकेंगी नहीं। या तो आप इस कृत्य को करके दिखाइए या अपने विजयनगर की महारानी के वचन का अपमान करिए। स्वर्ण मुद्राओं की हानि,
आपकी तलवार तो शांत हो गई, अब यदि आपका क्रोध भी शांत हो गया हो तो शांति से वार्तालाप कर लें। वार्तालाप? और आपसे यही योजना बनाई थी आपने? हाँ, किस मूर्ख बालक को आप यहाँ लेकर आए? आज उसकी मूर्खता के कारण हमारे प्राण संकट में है। आपके प्राण संकट में आपके कारण है। क्या आवश्यकता थी आपको गुरुदेव को क्रोध दिलाने की? आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं। क्षमा महारानी, आप भूल रहे हैं हमारे सामने पंडित रामाकृष्णा है। यदि उन्होंने उन्होंने हमारे शरीर को दो भागों में विभाजित कर दिया तो? ये सोच के तो हम भी चिंतित हैं महारानी। पंडित रामाकृष्णा तो कब से योजना बना रहे हैं कि आपको कब विजयनगर के सिंहासन से हटा दें, और अब तो उनके हाथ अवसर भी ऐसा लगा है कि आपको सिंहासन से क्या संसार से ही हटा देंगे। महारानी, आपको तो ज्ञात करना चाहिए कि पंडित रामाकृष्णा ने क्या समाधान खोजा है, अथवा आपकी मृत्यु तो। एक बात आप अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए, यदि पंडित रामाकृष्णा ने हमारे शरीर को दो हिस्सों में विभाजित करने का प्रयत्न भी किया ना, उससे पूर्व हम आपका सर धड़ से अलग कर देंगे। आप महान हैं गुरुदेव, आप महान हैं। आप यदि पंडित रामाकृष्णा महारानी को दो भागों में विभाजित करता है तो हमारे मार्ग का एक कांटा तो ऐसे ही साफ हो जाता है, और यदि महारानी को कुछ हो जाता है तो विजयनगर की प्रजा पंडित रामाकृष्णा को छोड़ेगी नहीं। दोनों ही परिस्थिति में हमारे सिंहासन तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अद्भुत गुरुदेव, अद्भुत। अद्भुत।